वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए लोकसभा सीट रायबरेली पर जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने सदर विधानसभा क्षेत्र के मुंशीगंज में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी मैं? क्या चुप रहूं और इनको गालियां देते रहूं, देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसे शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूं? यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहे। हम उनसे जाने को प्रियंका जी ने क्या कहा? प्रियंका जी हमारे यहाँ आए, देखे, गरीब अमीर को सबको बताया कि सबको वो मिलेगा, आए हमको वोट दो। मोदी ने क्या किया हमारे यहाँ? 5 किलो दे दिया, कहा सिलेंडर फ्री दिया, उसको 1200, 900, 1000 का कर दिया। सिलेंडर वाले ढनंग रहे हैं, मेहरियन रोजी नहीं व्यवहार आने को। मोदी ने जो उनका किया कि कोई नहीं किया, सारा रोजगार छीन लिया। आदमियों को जो पक्की नौकरी उसको जो है उसमें कर दिया, पेंशन सब बंद कर दिया। क्या किया मोदी ने? कहेंगे राहुल भैया 5 लाख से पार हो गया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जितना किया है कांग्रेस ने किया, कांग्रेस बीजेपी को। अरे वो तो कांग्रेस ने बनवाया, बीजेपी ने उद्घाटन किया, बस यही अपना नाम कला है बस। और तो कांग्रेस ने बनवाया, हमसे बनवाया है, जो काम किया कांग्रेस बरेली के लिए किया है। उन्होंने बताया है कि अब की बार रोजगार देंगे, काफी नौकरियां भी मिलेंगी जो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। मोदी सरकार में काफी हम लोग पढ़ाई भी की, पर जॉब नहीं मिली है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये थी कलसहा गाँव की महिलाएं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें गांधी परिवार पर पूरा विश्वास है। अमरेश पटेल, न्यूज रायबरेली।